सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। एनीवे आप खुशनसीब हो कि आपको इतनी अच्छी खूबसूरत और समझदार बीवी मिली। और जीनत तुम इनसे शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। चलता हूं मैं, खुदाफिस। क्या बोला ने? क्या समझ के बोला रे? तेरी रुक रे। अरे रुको जी, ऐसे दिल पे क्यों ले रहे आप उसकी बात को? उन्हें क्या बोला ने? क्या समझ के बोला ने? हां कि तुम मेरे से शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करे बोल के? आई मेरे को क्या मालूम? तुम्हारे को सो मालूम? ओहो, उन्हें इधर से जीनू बोल रहा था, तुम इधर से नब्बू बोल रहे थे, उन्हें तुम्हारे को देख रहा था, तुम उसको देख रहे थे, एक दूसरे को घूर ले रहे थे, गाने गा रहे थे, और तुम बोल रहे कि तुम्हारे को नहीं मालूम? हाँ, नहीं मालूम तो नहीं मालूम। अच्छा, नहीं मालूम ना, बहुत अच्छी बात है। असल मैं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करा तुम्हारे से शादी करके। मगर तुम तो बोले थे कि मेरे से शादी करके तुम्हारी किस्मत बदल गई बोल के। हाँ, बदल गया ना मेरी किस्मत। मैं करोड़पति जाके रोडपति बन गया, चुस्त जाके सुस्त हो गया। मैं पहले पक्का आम था, तुम मेरे को चुसेवा आम बना दिए। शादी से पहले मैं एक मजबूत बंबू था, मगर तुम मेरे को चिपक चंपू बना दिए। अच्छा, तो तुम बोलना चाह रहे कि तुम मेरे से शादी करके खुश नहीं है? खुश? खुशी के मारे खुदकुशी कर लेना सोच रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा सोच रही। देखो जाओ, जल्दी जाके करके आओ। ए, खुदकुशी का टॉयलेट है जाके करके आने के वास्ते में? सुसाइड। जी, तुम मेरे को सही सही बोलो, जब ऊपर वाला अक्कल बांट रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? मैं तुम्हारे मैले कपड़े धो रही थी। ए, बात को घुमाने की जरूरत नहीं है, मेरा कंसंट्रेशन एक ही जगह लग गया तो लगित जाता। उन्हें क्या समझ के बोला कि तुम मेरे से शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करे बोल के? बोलो। तुम भी बात को घुमाने की कोशिश नक्को करो कि तुम पहले करोड़पति से अब रोडपति बन गए बोल के। फैक्ट इज फैक्ट, जो है सच्चाई छुप नहीं सकती। ओ हेलो, मैं क्या तुम्हारे दौलत का चिल्ला बना के उसमें खाना पका रही हूँ? नहीं, पानी की जगह तुम्हारे पैसे पी रही हूँ। ए, जबान बहुत चल रही क्या? टांगा भी बहुत चलते, ज्यादा बात करे ना तो अम्मा के घर को चल जाती हूँ। अम्मा के घर को जाने का इतना शौक है तो जाओ, मगर सर्दियों का खत्म होने के बाद। कई को सर्दियों के बाद कई को? अब ठंडे पानी में बर्तन धोना नहीं होता भाई मेरे से। ऐसा बैठ के खाने आता। अरे कैसी जवानी है जी तुम्हारी। हाँ, और मर्द आदमी बोल तो कैसा रहना, ऐसा ठंडा पानी में हाथ डालते कि पानी ऐसा बुड़बुड़ उबलना। हो गया। हाँ। अब खामोश अंदर जाके जरा पानी गर्म करो, मेरे को नहा के बाहर जाना है, और मेरा मास्क ढूंढ कर निकालो, और तुम भी बाहर जाते वक्त नोज पीस के अंदर वो मास्क पहन के जाओ। ओमिक्रॉन फोमिक्रॉन जो है सो बहुत हो गया शहर में। ये ओमिक्रॉन फोमिक्रॉन मेरे पे असर नहीं करता। वो कहीं को? बिकॉज़ आई एम हॉट। जाहिल औरत। व्हाटएवर। ये औरत के दिमाग का ढक्कन खुल गया शायद, बहुत हवा में उड़ रही, अभी इसको जमीन पे लाना पड़ता। नॉक नॉक। कौन? चुड़ैल। चुड़ैल कौन? तुम। ऐसा घूरो नक्को, और एक बार जर्रा सूरत आईने में देखो, उबले हुए पानी पूरी की जैसी हो गई तुम्हारी सूरत। अजी मैं क्या मोटी लग रही हूँ? खूबसूरत दिख रहा है तुम। बदसूरत दिख रही हो क्या? नहीं पूछी। मोटी दिख रही हो क्या? पूछी। खूबसूरत तो मैं हूँ ही। मैं क्या पूछी? क्या मैं मोटी दिख रही हूँ? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दियो। मैं तुम्हारे बाबा का नौकर नहीं हूँ, हाँ या ना में जवाब देने के वास्ते जो मेरा दिल बोला मैं वही बोलता हूँ। बोलते वक्त बोलो जी, पहले टाइम क्या हो रहा वो बोलो, मेरे को पार्लर को जाना है। तुम्हारे बाबा मेरे को जहेज में घड़ी नहीं दी, नहीं तो टाइम बोलता था। अरे तेरे से बाबा दे रहे क्या जी तेरे आदमी? ए, मैं का कुरकुरे तेरे मेड़े हूँ जो तुम मेरे को तेरा आदमी बोल रहे? अरे सरक गए क्या जी आदमी? ऊपर वाले का शुक्र करो जो मेरे जैसी बीवी दिया, और क्या होना तुम्हारे को? ऊपर वाले का दिया सब है मेरे पास, डिप्रेशन टेंशन मुसीबत हैरानी परेशानी अफसोस गम सब है मेरे पास, मेरे को कुछ भी नको। ए ऊपर वाले, बस तू एक चीज उठा ले। किसको? इसको। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारे वास्ते डिप्रेशन टेंशन हैरानी परेशानी गम अफसोस ये सब हूँ, बोलो। बोलने का क्या है जी तुम है? अच्छा, तो तुम अब मेरे से छुटकारा चाह रहे, बोलो। मेरे दिल की बात तुम्हारे जबान पे अच्छी नहीं दिख रही। ठीक है, मैं अपने अम्मा के घर को चल जाती हूँ। तुम खाली बोलते जी जाते नहीं। ऐसा घूर रहे क्या? अगर जाने वाले रहते थे ना, गाड़ी बुक करके बैठ के चले गए थे अभी तक, ऐसा मेरी जान पे नहीं खड़ते थे।
जाती हूँ जाती हूँ। हमारे बाबा जो जहेज में तुम्हारे को समाना दिया ना वो वापस करो, चल जाती हूँ। क्या दिए तुम्हारे बाबा ऐसा जहेज में? हाँ, 3 पायों का पलंग, 1 फट्टी लूंगी, 1 पागल पट्टी, वहीं पड़े हुए ले लेके जाओ। 4 तोले सोना, 151 जोड़े और सागवान की असली लकड़ी का पलंग दिए, वो वापस करो, फिर जाती हूँ। वो 4 तोले सोना का तुम्हारे बाबा मेरे को दिए, तुम्हारा को दिए, तुम इस पेन के मुर्सू ना पिछले 30 साल से। हाँ, और वो 151 जोड़े का मेरे थे, तुम्हारे थे, तुम इस पेन के फाड़े। और झूठ नको बोलो, अभी बोल रहा हूँ, झूठ नको बोलो तुम। वो असली सागवान की लकड़ी का नहीं था, वो बबूल की लकड़ी का पलंग था। आज भी मेरे पीठ को कांटे चुभते हैं उसके। तुम्हारे बाबा पलंग तो दिए मगर गद्दी तो दिए नहीं। वही पलंग पे पसार के सोते ना रोज, वहीं पड़े हुआ देखो, लेके जाओ, जाओ। जाती हूँ जाती हूँ। ए सिट डाउन। जाने से पहले जो तुम मेरा सुकून लूट लिए वो वापिस करके जाओ, और जो तुम मेरा खून चूस लिया मैं पिछले 3 साल से वो वापिस करके जाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट परसों जो तुम मेरी डबल रोटी चाय में डुबा के खाए ना वो वापिस करके जाओ। अरे पागल हो गए क्या जी आदमी? मैं पैदा पागल हुआ था, दीवाने है क्या जी आदमी? जिस दिन मैं तुम्हारे से शादी करा उसी दिन मैं दीवाना हो गया। होश ठिकाने पे तो तुम्हारे? जोश जोश में जो मैं तुम्हारे से शादी कर लिया ना वहीं मेरे होश खो दिया मैं। अच्छा, मेरे से शादी करके मेरे पे एहसान करे? एहसान की बात न करो तुम मेरे साथ। एहसान बोले तो वो याद आ रहा मेरे को, याद है तुम शादी से पहले तोतले थे, तरकु तुर और तुर्कु पर बोलते थे। जान दाना बोल के मैं क्या करा तुम्हारा गुलबर्गा की दरगाह को लिख जाके तोते की खबर पे शक्कर चटाए तो तुम साफ साफ बोलना सके, और आज तुम मेरे से जबान लड़ा रहे और तुम मेरे को क्या बोल रहे? घर को जाती हूँ घर को जाती हूँ घर को जाती हूँ। पहले क्या बोलते थे? धर तू जाती हूँ धर तू जाती हूँ धर तू जाती हूँ बोलते थे। अजी मेरा मजाक नको उड़ाओ बोल रही हूँ मैं। अरे तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ बोल के तो 10वें एपिसोड तक पहुंच गया। अगर मैं सीरियस ले लेता था ना 50वें एपिसोड तक पहुंच जाते थे। मैं 10 एपिसोड से बस हो गई तुम्हारे से, अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मा के घर को, और दम है तो रोक के दिखाओ मेरे को। दम तो बहुत है जी मगर मेरे को रोकना नहीं है। अरे आप लोग टेंशन ना लो, ये रोज का है हमारा। 4-8 दिन में तुम्हारे भाभी कैसे नखरे रहते सुन रहे, फुल दबा के मेरे से लड़ लेते, अम्मा के घर को जा रही बोल के रूम में घुसते, फुल दबा के जो है सो कैडबरी फ्रूट्स नट्स खा लेके बाथरूम में घुस के आंखों को पानी मार लेके रोती सूरत बना के मेरे सामने आते और आके बोलते अजी मेरे से गलती हो गई, अगर मैं आपको गुस्से में ऐसा वैसा बोलती तो माफ़ी चाहती, मैं आज के बाद से अम्मा के घर को जाने का नाम नहीं लेती, मैं आज से 3 साल पहले हमारे अम्मा बाबू को छोड़कर तुम्हारी जिंदगी में आ गई थी, आपके सिवा ये दुनिया में मेरा है जो, मेरे को माफ़ कर दो। ऐसा बोल के मेरे सामने हाथ हाथ जोड़ते पावा पड़ते तो भी अपन लाइट लेके रहते, थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ता रहता ना ऐसा, फिर थोड़ी देर के बाद मैं माफ़ करे तो क्या हुआ भाई कितना भी हो तो जोरू छा इसके आस्ते बोल के फिर हम लगा दोनों जो है डिनर को रात में बाहर जाते। तुम्हारे भाभी आ रहे। अजी सुनो, मेरे से गलती हो गई, वो मैं गुस्से में आके आपको ऐसा वैसा बोल दी, आज के बाद मैं अम्मी के घर जाने की बात जुबान पर नहीं लाती हूँ, 3 साल पहले आपसे शादी करके मैं आपकी जिंदगी में आ गई अपने अम्मा बाबा को छोड़ के, आपके सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन, आपके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, मैं क्या बोला था तुम्हारे भाभी आके मेरे सामने गिड़गिड़ाते बोल के गिड़गिड़ाते देखे। अगर मैं ऐसा बोलती बोल के सोच रही ना तो बहुत गलत सोच रही, इस बार मैं सही में जा रही हूँ। अरे 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 सुनो मेरी बात, अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्ते सत श्रीकाल वड़क्कम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लगा हमारी ये सीरीज को बहुत पसंद करे बहुत प्यार करे बहुत वायरल करे, हर जगह से कॉल्स फोन आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट मेरे को मालूम भाई आप लोग अफसोस कर रहे हैं, आप लगा थोड़ा गम में भी होंगे कि हम लगा सीज़न 1 10वें एपिसोड पे ख़त्म कर दिए बोल के, मगर भाई टेंशन न करो बहुत जल्दी मैं सीज़न 2 भी लेके आता हूँ, मगर एक कंडीशन है भाई, जितना जल्दी मेरे 3 लाख होंगे उतना जल्दी जो है मैं सीज़न 2 लेके आने वाला हूँ। रिजाक तुम टेंशन न करो और मेरे से लिख के ले लो कि अपने 3 लाख यू हो जाते 1 महीने के अंदर अंदर, और रमजान से पहले सीज़न 2 भी आ जाएगा खिचड़ी का, क्यों आ जाएगा ना, देखो मेरी जुबान रख लो जरा। सही बोल रहे हैं, अगर ये बात है ना भाई, चलो जी अब भी जाके सीज़न 2 का स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है सर जी, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।